नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, गवर्नर गवर्नर का मेन काम होता है जो क्रैंक शाफ्ट की स्पीड रहती है उसको कांस्टेंट रखना है, यानी कांस्टेंट स्पीड पर क्रैंक शाफ्ट को घूमने देना। क्या 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 होता है, जब इंजन पर लोड बढ़ता है ना, तब इंजन की स्पीड कम हो जाती है। उस समय क्या रहता है, गवर्नर फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा देता है। जैसे ही लोड बढ़ता है तो गवर्नर क्या करता है, फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा देता है। जैसे ही लोड कम होता है तो क्या करता है, गवर्नर फ्यूल की सप्लाई को कम कर देता है। तो मेन गवर्नर का क्या काम रहता है, जो क्रैंक शाफ्ट रहती है उसकी स्पीड को कांस्टेंट रखता है। लोड बढ़ने पर भी फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा देता है, लोड कम होने पर फ्यूल की सप्लाई को कम कर देता है। तो गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी इंजन के अंदर। तो अलग अलग टाइप के गवर्नर रहते हैं, तो ये आपका यूनिवर्सल गवर्नर रहता है या सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर रहता है। इसके ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स लगे रहते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, तो मैं आज आपको पूरा वर्किंग बताऊंगा और प्रैक्टिकली करके बताऊंगा किस तरीके से ये मूव करता है। तो सबसे पहले मैं इसको स्टॉप करता हूँ। तो सबसे पहले क्या रहता है, ये आर्म रहती है, दिख रहा होगा, ये लिंक रहती है, ये आर्म रहती है, ये दो फ्लाई व्हील रहती हैं। दो फ्लाई व्हील का क्या काम रहता है, जब इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल जनरेट होता है तो ये ऊपर की तरफ मूव करती है। इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है, नीचे रहेगा ये स्लीव रहती है। इसके बाद ये स्पिंडल रहता है पूरा, इसके ऊपर ये मूव करता है। ये नीचे आप लोग बेल क्रैंक लिंक मैकेनिज्म इसके अंदर लगा रहता है। ये थ्रोटल वाल्व रहती है। थ्रोटल वाल्व क्या करती है, जब इसके अंदर एक सबसे पहले इंजन हमारा कांस्टेंट स्पीड पर चलता है तो ये क्या रहता है, थ्रोटल वाल्व रहता है या बेल क्रैंक मैकेनिज्म रहता है। जितना ये ऊपर की साइड उठता है तो ये क्या करता है, थ्रोटल की पोजीशन को कम करता है, यानी एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कम जाने देता है। और जैसे ये नीचे की साइड आता है तो एयर फ्यूल का मिक्सचर ये ज़्यादा जाने लग जाता है, यानी जब लोड बढ़ेगा तो इसकी स्पीड कम होगी, ये नीचे आएगा। नीचे आने पर क्या रहेगा, थ्रोटल वाल्व ज़्यादा खुल जाएगा तो एयर फ्यूल का मिक्सचर ज़्यादा जाने लग जाता है। जब इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ये ऊपर की साइड जाता है, तो ये थ्रोटल को धीरे धीरे कम करने लग जाता है, जिसकी वजह से एयर और फ्यूल का मिक्सचर कम जाता है और स्पीड को कांस्टेंट रख देता है। तो जैसे ही इसके ऊपर लोड पड़ता है तो ये क्या करता है, थ्रोटल की पोजीशन लोड पड़ता है तो फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा देता है, और जैसे ही लोड कम होता है तो फ्यूल की सप्लाई को कम कर देता है। गवर्नर का मेन काम रहता है। तो इसके ऊपर आपने देखा ये लिंक रहता है, ये फ्लाई वॉल्स रहती है, नीचे स्लेव रहता है, ये थ्रोटल वाल्व रहता है, ये नीचे बेवल गियर लगा रहता है, इसमें पूरा अरेंजमेंट लगा रहता है। इतना सारा सामान इसके अंदर होता है। अब क्या करना है, सबको सबसे पहले इसको चालू करते हैं, इसको हम कांस्टेंट स्पीड पे लाएंगे। दिख रहा होगा कांस्टेंट स्पीड पे आए, तो ये एक कांस्टेंट स्पीड पे चलता है। अब मान लीजिए आप एक सवारी बैठी, दो सवारी बैठी, तो क्या होता है, जैसे ही लोड बढ़ता है, जैसे इसके ऊपर लोड बढ़ता है, तो मैं इधर आता हूँ, अब आपने देखना है, जैसे एक इसके ऊपर एक सवारी बैठी तो इसके ऊपर जैसे ही लोड बढ़ता है तो ये यदि इसलिए ऊपर की साइड आएगा तो फ्यूल की सप्लाई को कम कर देता है थ्रोटल पे, और नीचे की आएगा तो ये फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा देता है। अब मान लीजिए ये कि स्पीड पे चल रहा है ये वाला, उस समय क्या हो रहा है आपने देखा हो, अब इसके ऊपर लोड बढ़ता है, मान लीजिए लोड इसके ऊपर बढ़ रहा है, एक जना बढ़ा ये नीचे की साइड आ रहा है, लोड बढ़ता है तो ये नीचे की साइड आएगा तो फ्यूल की सप्लाई को ये कम कर देता है, यानी लोड बढ़ता है तो फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा देता है, नीचे आने पर फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा देता है। जैसे ही लोड हटता है तो ये जैसे लोड हटता है ये ऊपर की साइड जाता है, लोड हटा ये ऊपर की साइड गया, ऊपर की साइड जाने पर क्या रहता है, ये जैसे ऊपर की साइड जाता है तो थ्रोटल की पोजीशन को ये बंद कर देता है और कम फ्यूल जाने लग जाता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर कम जाने लग जाता है और इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो जैसे स्पीड बढ़ती है तो फ्यूल की सप्लाई को कम कर देता है, और जैसे इसके ऊपर लोड बढ़ता है तो फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा देता है, यानी फ्यूल की सप्लाई को कम ज़्यादा करने के लिए, लोड के अकॉर्डिंग फ्यूल की सप्लाई को कम ज़्यादा करने के लिए इन यूनिवर्सल गवर्नर का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।